चेन्नई चेन्नई सुपर किंग्स। भाई मैंने तो प्रेडिक्ट किया था लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद। आरसीबी नो। दूसरा मैच सनराइजर्स हैदराबाद, वेल डन। बट दिल्ली सूर्य अस्त, हौसले पस्त, दिल्ली अब दूरस्त। हैशटैग आकाशवाणी, हम बात कर रहे हैं रिव्यू की, तो पहला मुकाबला करते हैं। एक तरफ कैप्टन कूल, दूसरी तरफ पैसा वसूल। एक तरफ जुनून है, सुकून दूसरी तरफ है। एक तरफ फायर, दूसरी तरफ आइस। क्या बिल्डअप किया था यार मैच से पहले, क्योंकि लगा कि ब्लॉकबस्टर रहेगा, निकला क्या डैम स्क्विप। और डैम स्क्विप क्यों, क्योंकि आरसीबी ने रन ही नहीं बनाए यार। अब तो एबी भी वापस आ गए थे और पार्थिव पटेल को आपने पहला मैच खेला, उन्होंने भी रन बना दिए, लेकिन सवा सौ कहाँ होते हैं रन, इतने नहीं होते हैं यार। कितनी भी अच्छी बॉलिंग कर लो नहीं रोक पाओगे। दैट समथिंग दैट यू विल स्टिल नीड टू एड्रेस। सेम प्रॉब्लम है, वो दो लोगों की आर्मी है, दोनों आउट हो जाते हैं तो मैच बिल्कुल समाप्त हो जाता है। रविंद्र जाडेजा डिजर्व्स अ बिग मेंशन हियर, क्योंकि पिछले तीन मुकाबलों में अपने चार ओवर भी पूरे किए हैं एंड ही डिसमिस्ड विराट कोहली। लेकिन जब आउट किया ना तो ऐसा लगा एकदम से चुप से थे, कि जैसे अपने बॉस को आउट करने के बाद आपको लगे अरे फंस गए दोस्त। वेल दैट वाज अ लेम जोक, दैट पिक्चर वाज डूइंग द राउंड्स ऑन व्हाट्सएप। मैंने कहा चलो यहाँ निकाल देते हैं, बट देन लेट्स गेट सीरियस। अब जब चेज की बारी आई तो कोशिश तो बहुत की, बहुत कॉलिन डी ग्रैंडहोम से बॉलिंग कराई, चहल ने की, मुर्गन अश्विन, लेकिन अंत में इतने रन थे ही नहीं। लड़ाई बहुत की, उमेश यादव की बॉल कमाल की थी यार, जो यॉर्कर ने शेन वॉटसन को आउट किया, टॉप क्लास बॉल। बट देन दैट वॉज दैट। महेंद्र सिंह धोनीज टीम हैज गार्नर्ड टू मोर पॉइंट्स एंड आरसीबी हैज गार्नर्ड अ बिट मोर डिसअपॉइंटमेंट। खैर दे विल हैव टू नाउ विन एवरीथिंग, इवन देन देयर फॉर्चून माइट स्टिल नॉट बी इन देयर हैंड्स, दैट्स देयर स्टोरी। सेकेंड मैच ऑफ द डे वॉज स्लाइटली बेटर ना, क्योंकि डी डी वर्सेज एस आर एच। डी डी ने पृथ्वी शॉ, वो भाई बिग शो हो या ना हो, पृथ्वी शो तो चलता ही चलता है। पृथ्वी शॉ ने अच्छी बैटिंग की, 50 बना दिया, और श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत मिलजुल के किसी तरीके से अंत में पहुँच गए 163। वो पीछे मैंने स्कोरबोर्ड लिखा है, वहाँ से पढ़ा अभी, 163 पहुँच गए। और एक बार लगा कि यहाँ पे लड़ाई होगी, अमित मिश्रा ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, वो जब मिश्रण उनका चल रहा है ना। बट देन एलेक्स हेल, शिखर धवन, अ गुड ओपनिंग कॉम्बिनेशन एंड इन दी एंड वो कहते हैं नंबर्स डू लाई। अब अगर ये मैच देखेंगे तो कहेंगे ज़्यादा रन किसने बनाए, केन विलियमसन ने, कप्तान भी वही थे। लेकिन इंपॉर्टेंट पारी किसने खेली, वो खेली यूसुफ पठान ने, तो पठान पावर वेल डन। कम गेंदे, बहुत सारे रन, ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे, 200 के ऑलमोस्ट स्ट्राइक रेट पे चल रहे थे, फिर मैंने चीटिंग की तो यहाँ पे मुकाबला जीत गए। सनराइज़ हैदराबाद की अब लड़ाई इस बात की नहीं है कि क्वालिफाई करेंगे या नहीं करेंगे, क्वालिफाई 100% करेंगे। लड़ाई है कि टॉप टू में पहुंचना है, क्योंकि देन यू गेट टू बाइट्स एट द चेरी। दिल्ली डेयरडेविल्स, वो कहते हैं अब आपका जो भाग्य है ना, इट्स इन समबडी एल्सेस हैंड। लेकिन भगवान ने भी क्या किया था, ये भाग्य यहाँ रहता है, उसके पहले उंगलियाँ लगाई, क्यों लगाई, ताकि मेहनत करो, अपना कुछ काम करो। लेकिन अब आप काम तो कर भी लोगे ना, तो भी आपका भाग्य आपके हाथ में नहीं, क्योंकि 14 पॉइंट्स पे क्वालिफाई करना इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली टफ, provided you reach 14 points. Thank you for watching this video. अब आपने देख ही लिया तो फिर एक काम करो ना, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और लोगों को बताओ। डू शेयर द लव गाइज। अरे अभी जाने का टाइम हो गया, शूटिंग में तो करनी है यार।